हेलो स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने दो वीडियोस इशू की थी अपने चैनल पर। एक की थी 2 अप्रैल को, जिसका नाम था चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्किल पैसेजेस, और उसके बाद 9 अप्रैल को एक और की थी जिसमें मैंने अपने व्यूज शेयर किए थे कि हम जो डिफ़िकल्ट पैसेजेस आ रहे हैं इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं, और जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं डिफ़िकल्टी के उनको कैसे हमने पार करना है। तो इन दोनों में मैंने अपने व्यूज़ शेयर किए थे। इन दोनों का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो देख सकते हैं इसको। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा टिप्स जो कि जो भी स्टूडेंट्स 80 वर्ड्स पर मिनट या 80 से 90 के बीच में लिख रहे हैं और उन्होंने स्किल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस स्किल को उन्होंने मैनेज करना है पैसेजेस को, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब तक कैंडिडेट्स अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करेंगे ऐसी सिचुएशन के लिए, जब तक कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएंगे नहीं स्किल में, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा वो जो पैसेजेस आएंगे। तो मेरे हिसाब से उनको अपनी जो स्किल है उसको शार्पन करना है जितना भी वो कर सकते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी हम आज जिस लेवल पे हैं, अगर हमने नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को क्रॉस करना है तो हमें वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उसके लिए हार्ड वर्क कर लेते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर हमें खुशी भी होती है और तब वो हमें आसान लगने लगता है। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देने चाहूँगा कि जब हमने PBTD शॉर्ट एंड सीखी थी तो हमें थ्योरी बहुत मुश्किल लगती थी, और जब हमने थ्योरी पूरी कर ली तो हमें ये होता था कि हम मैगजीन पे कैसे लिखेंगे, जब हम लोगों को देखते थे कि वो स्पीड पर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमने स्लो स्पीड पर लिखना भी एक्वायर किया। उसके बाद फिर देखते हैं कि लोग थोड़ा फास्ट स्पीड पर लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, तो हम वहाँ पर भी आस्ता आस्ता पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम किसी चीज़ में अपनी सोच ठीक रखते हैं और उसके लिए एफर्ट्स करते हैं तो नेचुरली उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है और हमें खुशी भी होती है। इसी तरह ही जब हम सर कैलाश चंद्र मैगज़ीन शुरू करते हैं तो हमें प्रोग्रेसिव मैगज़ीन मुश्किल लगती है, जब हम प्रोग्रेसिव थोड़ी सी करने लगते हैं वो हमारे लिए आसान लगती है, लेकिन हमें प्रेसिडेंट स्पीचेस थोड़ी मुश्किल लगती हैं। जब हम प्रेसिडेंट स्पीचेस करते हैं तो उसके अलावा जब कोई और डिफ़िकल्ट पैसेज आ जाते हैं तो हमें मुश्किल हो जाती है। तो किसी ने सही कहा है कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हमें हम उस प्रॉब्लम को डील करने की हमारे में कितनी कैपेसिटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जितना हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे लिए वो लेवल जो है इसी होता जाएगा। इसलिए हमें ऐसे माइंडसेट से काम करना पड़ेगा कि जो सभी डिफ़िकल्ट लेवल्स हैं उनको हम इजी बना सकते हैं अपने हार्डवर्क से, और वो जब तक हम उनको डील नहीं करेंगे तब तक हमें वो डिफ़िकल्ट लगेंगे, जब हम उसको वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो नेचुरली हम वहाँ हमें इजी लगेंगे, हम उसको हैंडल कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से अब मैं आता हूँ अपनी आज की वीडियो पर, जिसमें मैंने कुछ टिप्स आपसे शेयर करने हैं कि हमें अपने स्किल को कैसे शार्प करना है। इसके लिए मैंने एक पैसेज लिया है जो मेरे हिसाब से लोगों को मुश्किल लगा, जो DDA ने अपने एग्ज़ाम में स्किल एग्ज़ाम में दिया था 22 फरवरी 2021 को। और इस पैसेज को जो था, जो लोग 80-90 पर भी लिख रहे थे वो इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पैसेज इतना मुश्किल था, लेकिन शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थे और वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा पैसेज आएगा। तो ऐसे पैसेजेस भी आ जाते हैं जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। अब मैं DDA का जो स्किल पैसेज था वो मैं आपको बताता हूँ, वो था इंडियन स्वीट्स के बारे में। तो मैं शुरू करता हूँ कि कंटेंट्स क्या थे और हमें कैसे लिखना है उसको। इट सेज इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन, इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन, इंडिया के नीचे डबल टिक देना है ऑलवेज जो भी प्रॉपर नाउन आए। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ स्वीट्स, SW बड़ा
स्पेशली बनाइए स्वीट्स विद ए वैरायटी ऑफ, वैरायटी में टी के बाद ई लगाना से हमें क्लियरली पता लगता है, वैरायटी ऑफ टेस्ट टेक्सचर एंड इंग्रेडिएंट्स, टेक्सचर एंड इंग्रेडिएंट्स, स्टॉप। ट्रेडिशनल मिल्क बेस्ड, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन ऐसे होगा, ट्रेडिशनल नीचे, ट्रेडिशनल मिल्क बेस्ड स्वीट्स, मिल्क बेस्ड स्वीट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड, आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम खोया, फ्रॉम खोया। खोया जब आएगा तो के एच तो नहीं होता, के लगाएंगे हम खोया, और खोया के नीचे डबल टिक देंगे ताकि हमें पता लगे कि भाई अलग से टिपिकल नाम है। खोया, छेना, अब छेना आया तो छेना में छ तो को भी नहीं होता, च ही होता है हमारे पास, लेकिन छेना के नीचे जब हम ये लगाएंगे तो हमें पता लगेगा ये खोया है, ये छेना है। एंड देन शुगर, शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। सच एज, दिस इज सच एज मैदा, अब मैदा आया तो हमने ज्यादा नहीं सोचना, मैदा एम डी करके नीचे आप लगाइए दो डबल टिक, मैदा। फ्लेवर्स एंड कलर्स, फॉर एग्जाम्पल पेड़ा, अब पेड़ा आया तो पेड़ा भी क्या है, पी डी करके नीचे आप डबल टिक दीजिए, ज्यादा है तो पेड़ा, डी के बाद ए भी लगा सकते हैं, पेड़ा। बर्फी, अब बर्फी बोला उसने तो बर्फी बी आर एफ कर दीजिए, नीचे डबल टिक दीजिए और बर्फी, डी आर एफ ई, बर्फी। मिल्क खोया, सॉरी मिल्क केक, मिल्क केक, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, मिल्क केक। जलेबी, अब जलेब सॉरी गुलाब जामुन, दिस इज जी एल बी, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। रसगुल्ला, दिस रसगुल्ला, आर एस जी एल, रसगुल्ला। इसके बाद है रस मलाई, रस मलाई एटसेट्रा, स्टॉप। इन एडिशन, इन एडिशन देयर आर स्वीट्स कंटेनिंग, स्वीट्स कंटेनिंग स्टार्च, जस्ट अ मिनट, स्वीट कंटेनिंग containing cereal, SRL, cereal starch, or grain as the main ingredients. फॉर एग्जाम्पल सूजी हलवा, अब जैसे सूजी आया तो हम सूजी को एस जे कर सकते हैं, सूजी और नीचे डबल टिक दीजिए, सूजी हलवा। हलवा आया तो हलवा, हलवे के नीचे भी दे दीजिए टिक, हलवा, सॉरी सूजी हलवा। मूंग दाल, अब मूंग आया तो मूंग दाल, दाल भी लिखते हैं तो नीचे टिक दीजिए, मूंग दाल हलवा।
जलेबी, JLB, जलेबी, बूंदी, अब आया बूंदी, बूंदी, लड्डू, मोतीचूर लड्डू, मोतीचूर लड्डू, गुजिया, देन कम्स गुजिया, देखिए गुजिया, उसके बाद है बालू शाही, बालू शाही, जैसे मर्जी लिखिए उसको, उनको ये है कि ट्रांसक्राइब करके आपने ठीक देना है, उस वक्त ये नहीं देखना कि हमारी आउटलाइन ठीक है, हम पढ़ सकें, बालू शाही, देखिए बालू शाही। उसके बाद है सोन पापड़ी, दिस इज सोन पापड़ी, PPD करके नीचे डबल टिक दीजिए, सोन पापड़ी एटसेट्रा। देयर आर ऑल्सो स्वीट स्नैक्स, स्वीट स्नैक्स, फॉर एग्जाम्पल चिक्की, चिक्की, गज्जक, GJK, गज्जक, मुरुंडा, MRN, मुरुंडा, कैसे मर्जी लिख दीजिए मुरुंडा। उसके बाद है गुड़ चना, गुड़ चना, कोटेड विद, कोटेड विद जैगरी, शुगर, शुगर, हनी एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। आगे है स्वीट्स हैव लिमिटेड शेल्फ लाइफ, SHELF, शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ मीन्स पेरिशेबल जो होते हैं, स्लैब, स्लैब में कितने टाइम हम रख सकते हैं। अब शेल्फ लाइफ लोगों को समझ भी नहीं आया, अगर अपनी वोकैबुलरी होगी तो आप कैच कर पाएंगे। शेल्फ लाइफ स्टॉप, स्वीट्स पर्टिकुलरली दोज, पर्टिकुलरली दोज विद मिल्क प्रोडक्ट्स, हैव लेसर शेल्फ लाइफ एंड आर मोर प्रोन टू, मोर प्रोन टू माइक्रोबियल, माइक्रोबियल ग्रोथ। स्टॉप। देयरफॉर सैनिटेशन एंड हाइजीन, देयरफॉर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन देयर प्रिपरेशन, इन देयर प्रिपरेशन एंड कंजम्पशन विद इन शेल्फ लाइफ, विद इन शेल्फ लाइफ इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मोर ओवर देयर आर इशूज, देयर आर, मोर ओवर देयर आर इशूज ऑफ एडल्ट्रेशन एंड यूज ऑफ
सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, स्टॉप. कंसर्टेड एफर्ट्स आर नीडेड, कंसर्टेड एफर्ट्स आर नीडेड टू एंश्योर फूड सेफ्टी, टू एंश्योर सॉरी एंश्योर फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी. Of sweets by stakeholders including food business, consumers and regulatory authorities. अब रेगुलेटरी आप दो तरीके से लिख, रेगुलेटरीज या रेगुलेटरीज, रेगुलेटरी सॉरी रेगुलेटरी रेगुलेटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दैट्स ऑल. तो स्टूडेंट्स, आपने जो अभी वीडियो देखी मेरी, मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं आपसे कन्वे करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच गया होगा, और ये नेचुरली आपको हेल्प करेगी आपके स्किल को शार्प करने के लिए. और ये एक सैम्पल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मुझे आप अपने इसमें कमेंट्स बताइएगा आपको ये कैसे लगा. थैंक यू वेरी मच.